महान इतिहासकार को क्यों भूल गया देश, जिसने हिंदुओं को दिलाई अस्तित्व की पहचान, जिसने अयोध्या विवाद में निभाई अहम भूमिका, उन्हीं ब्रिजवासी लाल के निधन की खबर तक नहीं। देश की महान शख्सियत का निधन हो गया, मगर हमारे देश की मीडिया सिर्फ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन की सुर्खियों में ही अटकी रही। महारानी कौन थी, कैसी थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, क्या पहनती थी, इतना ही नहीं, उनके सोने उठने बैठने तक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मगर हिंदुस्तान का एक महान सपूत जिंदगी को अलविदा कह गया, उनके निधन की भनक तक नहीं। कौन है वो शख्सियत जिन्होंने इतिहास को गढ़ने का काम किया? जानते हैं आप, पद्म विभूषण से सम्मानित इतिहासकार ब्रिजवासी लाल। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों ने इनका नाम भी पहली बार सुना होगा, मगर इस शख्सियत के कद का अगर एहसास होगा और प्रभु राम में विश्वास होगा तो वो उनके व्यक्तित्व को आसमान की ऊंचाई पर पाएगा। 100 साल की उम्र में ब्रिजलाल जी का निधन हो गया, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला, ना अखबारों की सुर्खियां बनी और ना ही न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस। चलिए हम आपको बताते हैं कौन थे ब्रिजलाल और क्यों उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को गढ़ने का काम किया। जब देश के स्कूलों में इतिहास के नाम पर बच्चों को अफीम चखाई जा रही थी, भारत के देश को गरीब बताया जा रहा था, मुगलों और अंग्रेजों के नाम बताए जा रहे थे और दावे किए जा रहे थे कि रामायण महाभारत वेद पुराण कुछ नहीं है, ग्रंथों को स्कूली किताबों में महज एक कल्पना बताया जा रहा था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण को काल्पनिक बताने के दावे किए जा रहे थे, उसी वक्त प्रोफेसर बीबी लाल ने ऐसा कहने वालों को झूठा साबित किया था। जी हाँ, भारत के इतिहास से हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने वालों पर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लगाम लगा दी थी। चलिए अब आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि उनका कद क्या था। उनके कद का एहसास सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है अयोध्या का मामला। देखिए जरा, काफी लंबे समय से चल रहे अयोध्या मंदिर विवाद में भी बीबी लाल ने अहम भूमिका निभाई थी। यही वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया के सामने ये साबित किया कि उस जगह पर ही राम मंदिर नाम का देवालय हुआ करता था, जिसे मुगल काल में बाबर ने तोड़ दिया था और अपना शासन जमाया था। इसके अलावा बीबी लाल ने ही भारत के हिंदुओं को इस बात का सबूत भी दिया कि रामायण महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास की सच्चाई है। उन्होंने समुद्र में कृष्ण के द्वारका नगरी पर भी शोध किया। बीबी लाल ने रामायण और महाभारत काल के अवशेषों की खोज कर उस पर ढेरों रिसर्च किए और आज उन्हीं के चलते हम उन अंग्रेजों और मुगलों के गुलाम लेफ्टिस्ट हिंदुओं के मुंह बंद करवा पाए हैं, जो ये साबित करना चाहते थे कि भारतीय इतिहास सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल की उस PIL को भी बीबी लाल ने झूठा साबित किया, जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक बताया था। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इतनी महान शख्सियत की मौत के बाद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उनके गिने चुने लोगों ने ही उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। भारतीय इतिहास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हैरत की बात तो ये है कि लोग देश के ऐसे महान इंसान को भुलाकर महारानी के जीवन कैसा था इसको जानने के लिए बेताब हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास को गढ़ने वाले को लोग भूल जाते हैं। किसी मीडिया या न्यूज़पेपर में उनके निधन तक की खबर नहीं छपती। हर कोई ब्रिटेन की महारानी की गाथा गाने में लगा। एक भारतीय के लिए महारानी एलिजाबेथ के जीवन के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है बीबी लाल के जीवन के बारे में जानना, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना जिन्होंने भारत के इतिहास को गढ़ने का काम किया, हिंदुत्व के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।